नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राम और आपके अपने YouTube चैनल स्टॉक मार्केट साइकोलॉजी के डेली एनालिसिस वीडियो में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्यों होने वाली है, मैं आपको दिखाता हूं कि आपको लाइव मार्केट में बड़े प्लेयर का पोजिशन कैसे पता करना, आप कैसे अपने रिस्क को बिल्कुल जीरो करके प्रॉफिटेबल को 100% कर सकते हैं बड़े प्लेयर के साथ बैठ के, कैसे, मैं आपको अभी एक लाइव प्रूफ के साथ दिखाता हूं। तो इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिएगा, इससे आपको क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। चलिए, मैं अपने देखिए टेलीग्राम चैनल पे, दोस्तों फ्री वाले टेलीग्राम चैनल पे, मैंने 9:20 पे मैसेज किए थे प्रो क्लोज देयर पुट बाई पोजिशन, क्या था प्रो के पास। तो अब मैं आपका एक एक चीज प्रूफ करके दिखाता हूं। देखिए, आज मैं थोड़ा सा डिटेल में एनालिसिस बताऊंगा आपको। प्रो के पास कल वो जो आपको एक ये 9700 पुट की बाइंग पड़ी थी, आप यहां पे देखिए उनके पास क्या था, बाइंग था पूरा। वो बाइंग क्या किए, क्लोज किए वहां पे, कैसे वो हमें आपको डेटा में भी दिख जाएगा और प्राइस एक्शन पे भी दिख जाएगा। तो आप देखें कि मार्केट ये जो था ओपन होते ही पहली ही कैंडल में, ये 5 मिनट का कैंडल है, सीधा इसका हाई देखिए 303 और लो 245। आप ये चीजें देख सकते हैं दोस्तों कि 303 इसका हाई और 245 का लो है, यानी वहां पे 55 पॉइंट नीचे आया, 55 पॉइंट, और वहां पे उन्होंने अपना क्या किया, पूरा क्लोज किया। और पहले ही कैंडल में हमको दोस्तों पता चल गया कि प्रो क्या कर रहे हैं, वहां पे अपना पुट की बाइंग क्लोज कर दी है। ये हमने देखी यहाँ पे बस 9:25 के अंदर प्रो क्लोज देयर पुट बाई पोजिशन, मैंने यहाँ पे लिख दिया मैसेज। इसके बाद दोस्तों आप इस देखिए कि प्रो क्लोज पुट पोजिशन एंड स्टार्ट डूइंग पुट राइटिंग ऑफ पुट, मैंने यहाँ पे लिखा कि वो क्या कर रहे थे, अभी ये पुट की राइटिंग कर रहे हैं 10 बजे, यानी हमें आधा घंटा में पता चल गया। तो इस डेटा को मैं आपको प्रूफ करता हूँ कि प्रो ने आज पुट की राइटिंग किया है या नहीं। तो आप ये डेटा पर देखें कि प्रो ने जबरदस्त आज 215,000 की पुट की राइटिंग कर दी, 215,000। एक एक चीज दोस्तों, ये डेटा बाद में आता है, एंड ऑफ द डे डेटा आता है। तो ये आपको मैं एंड ऑफ द डे बताऊंगा कि आपको कैसे ये पता करना है, कैसे आपको ये पता चल जाएगा लाइव मार्केट में ऑप्शन चेन के साथ। तो इस वीडियो के साथ बने रहिए, इंटरेस्टिंग वीडियो होगा। इसके बाद देखिए, हमने मैसेज किया कि प्रॉप राइटिंग पुट एट 18,300 हैवली 10:41 पे, मैंने मैसेज कर दिया कि 18,300 ही की राइट कर रहे हैं, नाउ नॉट टू बाई पुट टिल नाउ, मैंने यहां पे मैसेज किया कि पुट बाई बिल्कुल ही नहीं करना है आज, निफ्टी मे क्लोज एबव 18,400। यहां जो समझने वाले होंगे वो इतना ही उनके लिए सारा काफी है, इतना ही सारा काफी है दोस्तों, कि मैंने एक घंटा पहले, सवा घंटे पहले बता दिया कि निफ्टी 18,400 के ऊपर क्लोज होगी 2:16 पे। अब वहां पे मैं निफ्टी का एक बार चार्ट देख लेते हैं कि क्या ट्रेड कर रहा था। तो 215 को यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ट्रेड कर रहा था निफ्टी 13,660 के पास, ये पूरे 15 मिनट का कैंडल दोस्तों। तो यहीं पे ये निफ्टी इस वाले में ट्रेड कर रहा था 60 के ऊपर, और वहां से देखिए कितना, लगभग 60 पॉइंट और ऊपर गया, 60 पॉइंट ऊपर। तो यहाँ पे एक अच्छा खासा प्रॉफिट जो है लोग बना रहे हैं, अच्छा खासा। ये आपको लाइव मार्केट में हमने बताया था कि निफ्टी में क्लोज देखिए, और यहाँ पे निफ्टी ट्रेवलिंग फ्रॉम फर्स्ट पेन टू सेकेंड पेन, ये हमें कैसे पता चला कि निफ्टी 400 के ऊपर क्लोज होगा, है ना, 400 के ऊपर कैसे हमें पता चला। तो ये हमारे जो एडवांस ऑप्शन चेन है, यहाँ पे देखें जो फर्स्ट पेन था निफ्टी का वो 18,300 था और सेकेंड पेन 18,400 पे था, और ये पोजीशन आपको क्या चेंज हो रहे थे, पेन के पोजीशन चेंज हो रहे थे, कैसे, मैं अपने एक स्क्रीनशॉट भी भेजा था। और इसमें देखें कि आप जब ये पेन का स्क्रीनशॉट देखेंगे तो यहाँ पे ये पेन था लगभग 175, देखिए यहाँ पे देखें 165 पेन था, ये नंबर आपको दिख रहा होगा कि 18,400 के पास 121 नंबर था और ये 83 था, है ना। अब यहाँ पे देखिए, मैं डेटा में दिखाता हूँ कि क्या पोजीशन है अभी, ये आपको पोजीशन 185 हो गया 121 से, तो ये पोजीशन चेंज हो रहा था, यानी पोजीशन इंक्रीज हो रहा था, तो मार्केट भी उसके तरफ जाएगा, मार्केट भी उसके तरफ ही जाएगा। और ये पूरे आपको उसके बाद फिर 18,450 के पास भी बड़े प्लेयर एक्टिव हो गए। तो ओवरऑल ये सब सारी चीजें डिटेल में बताया जाता है। अब देखिए, हमने एक और चीज बोली
कि भाई निफ्टी ट्रिबल तो होगी लेकिन वहां पे कॉल की राइटिंग कौन कर रहा है। तो मैंने देखा कि क्लाइंट जो है वो कॉल की राइटिंग कर रहे हैं और FII बाई कर रहे हैं कॉल की। क्या देखिए डेटा है, इस सारे डेटा दोस्तों लाइव मार्केट में आपको पता चल जाता है। अगर आप डेटा स्टडी करना जानते हैं तो फोकस करिए डेटा पर। मैं इसलिए सारी चीजें बैक टेस्ट में आपको दिखा रहा हूं कि आप देख सकते हैं कि 238 को मैंने एक मैसेज किया यहाँ पे कि जो क्लाइंट है वो कॉल की राइटिंग कर रहे हैं और यहाँ पे FII कॉल की बाई कर रहे हैं। होप ऑल आर इंजॉइंग टू डेट। तो ये इसको हम बैक टेस्टिंग कर लेते हैं। इसको भी आप यहाँ पे इस सीट में आइए और देखिए 1,77,000 की कॉल राइटिंग किया गया हमारे क्लाइंट के द्वारा आज, और हमारे 67,000 FII के द्वारा कॉल की बाइंग किया गया है ना। तीनों डेटा मैच है दोस्तों, तीनों डेटा। तो आप डेटा को कैसे रीड करना है हम ये वीडियो की जो एनालिसिस पार्ट है उसमें बताएंगे। तो आप बने रही वीडियो के साथ। आज का जो बैक टेस्टिंग था हमने ये सब कुछ आपको एक एक चीज प्रूफ करके बता दिया कि कैसे डेटा आपको स्टडी करना है। तो दोस्तों अगर आप ये सब सारी चीजें चाहते हैं सीखना कि कैसे एडवांस ये चीजें आप पकड़ सकते हैं लाइव मार्केट में, तो आप बिल्कुल ही एक छोटा सा मिनिमम फी के साथ, यानी ये ऑप्शंस के लिए बहुत ही छोटा फी, आपको भी पता है कि इतना तो आप एक दिन में कमा सकते हैं या एक दिन में कमा सकते हैं। यह सारे एडवांस 5 जनवरी से 5 जैन से हमारा नेक्स्ट नेक्स्ट बैच स्टार्ट हो रहा है। मिनिमम फी है, ओनली मिनिमम फी और मिनिमम सीट, बहुत ही मिनिमम सीट। तो आप इस नंबर पे मुझे मैसेज करके इनरोल कर सकते हैं अपने आप को। और आप अगर ये सब सारी चीजें का एंजॉयमेंट लेना चाहते हैं तो एक हमारा प्रीमियम ग्रुप जो है बहुत ही छोटा ग्रुप है और वहां पे देखिए सारे लोग प्रॉफिटेबल हो रहे हैं। ये सब सारी चीजें हम वहां पे टारगेट देख सकते हैं कि सब कुछ बताया जाता है, कहीं पे भी हमने जाके ज्वाइन कर सकते हैं मुझे मैसेज करके। तो चलिए हम आप शुरू करते हैं आज की एनालिसिस पार्ट कि हमें कैसे कल को देखना है, ट्रेड कैसे कल के लिए देखना है। तो दोस्तों हम सबसे पहले डेटा की बात करेंगे, फिर प्राइस एक्शन की बात करेंगे, लेवल देखेंगे। मैं मोस्टली डेटा पे फोकस करता हूं और आई होप कि आपको डेटा समझ में आना चाहिए। आप भी अगर डेटा पे स्टडी करेंगे धीरे धीरे, इस चैनल को अगर फॉलो करेंगे और फॉलो करते हैं तो चीजें आपको क्लियर हो जाती होंगी कि डेटा कैसे स्टडी करना है। तो दोस्तों आप अगर इस चैनल पर नए हैं तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारे प्रीवियस जितनी भी ऑप्शंस की वीडियोस हैं एक बार जाके देखिए, उसको धीरे धीरे समझने की कोशिश करिए। कुछ समझ में नहीं आता है तो मुझे एक बार कमेंट करके बताइए, तो आपको चीजें क्लियर होने लगेगी। चलिए अब हम यहाँ पे ऑप्शंस एंड फ्यूचर का डेटा देखते हैं। क्लाइंट ने क्या किया है, राइटिंग की सॉरी शॉर्ट भी किया है और लॉन्ग भी किया है फ्यूचर में, लेकिन इनका शॉर्ट का पोजिशन ज्यादा है, इनका शॉर्ट का पोजिशन ज्यादा है। तो कल के लिए इनका पैसा कहाँ मार्केट में नीचे आया है, यानी कल इनको लग रहा है कि मार्केट थोड़ा नीचे जाएगा, इसलिए इन्होंने शॉर्ट पोजिशन इनिशिएट किया है। ओवरऑल 45,000 से 40,000 इनका अभी भी लॉन्ग है, लेकिन ये मंथली व्यू है, मैं आपको बार बार बताता हूँ, लेकिन ये अभी इन्होंने कल के लिए पैसा लगाया है ना, तो कल इनका व्यू स्लाइटली नीचे की तरफ है। अब देखिए FII ने क्या किया, FII ने शॉर्ट पूरा मैक्सिमम क्लोज कर दिया, मैक्सिमम शॉर्ट, लॉन्ग थोड़ा सा क्लोज किया। तो अगर मैं किसी स्टॉक्स में या किसी इंडेक्स में लॉन्ग और शॉर्ट दोनों हूँ तो शॉर्ट अगर मैं क्लोज कर रहा हूँ तो मेरा व्यू क्या बुलिश हुआ है ना, लॉन्ग क्लोज नहीं कर रहा हूँ शॉर्ट क्लोज कर रहा हूँ तो मेरा व्यू बुलिश हुआ, इसलिए इनका 17,000 से 28,000 लॉन्ग का पोजीशन हो गया, 11,000 चेंजमेंट वो बुलिश हो गया। प्रो ने यहाँ पे शॉर्ट इनिशिएट किया 9,000 क्वांटिटी, 9,000 यानी प्रो अगर सिर्फ ऑप्शंस में फ्यूचर में डेटा देखें तो यहाँ पे वो आपको क्या है 42 हो गए, लेकिन इन्होंने 2,000 क्वांटिटी लॉन्ग भी किया है तो 7,000 इफेक्टेड क्वांटिटी है, ओवरऑल 23,000 से 30,000 इनका डेटा हो गया। और एज यूजल आज DI बिल्कुल एक्टिव नहीं रहे, उनके पास 38,000 शॉर्ट है। अब हम ऑप्शंस की बात करते हैं, फिर हम कोरिलेशन निकालेंगे। ऑप्शंस में हमारे क्लाइंट ने क्या किया, 1,77,000 लगभग 2.25 लाख क्वांटिटी इन्होंने कॉल की राइटिंग कर दी दबा के, मार्केट धीरे धीरे जा रहा था वो राइटिंग कर रहे थे। अब देखिए इनका 98,000 जो लॉन्ग था इन्होंने बाइंग किया था वो तो पूरा क्लोज हुआ ही लॉस में, और इसके बाद इन्होंने और ज्यादा लॉस कर दिया, 79,000 इन्होंने राइटिंग कर दी, तो उनका पैसा कहाँ मार्केट में नीचे लग गया, इसको भी नीचे लग गया, यानी फ्यूचर एंड ऑप्शंस दोनों में वो बेरिश हैं। अब हम FII की बात करते हैं, FII ने अपना यहाँ पर शॉर्ट क्लोज कर दिया, वो बुलिश हो गए और यहाँ पे उन्होंने क्या किया, कॉल की बाइंग कर ली, 1,32,000 से 1,99,000 हो गया यहाँ पे, और इनके पास जो और 24,000 क्लोज कर दिए पुट की राइटिंग, जो सॉरी पुट की बाइंग, जो उनके पुट की बाइंग थी वो क्लोज कर दिए, तो यहाँ पे क्या हो गया, वो बुलिश हो गए, ये भी क्लोज किए बुलिश, यहाँ पे बाइंग किए वो भी बुलिश, और यहाँ पे उन्होंने क्लोज किया ये भी बुलिश, तो ये तीनों जगह बुलिश हो गए। अब हम यहाँ पे प्रो की बात करते हैं, प्रो के पास जो कॉल की
राइटिंग थी उन्होंने क्लोज कर लिया, कितना 50%, 50% उन्होंने क्लोज कर लिया, 50% क्लोज कर दिया, तो यहाँ पे वो बुलिश हो गए। और यहाँ पे उन्होंने दबा के देखिए राइटिंग कर दिया, पूरे 215,000 क्वांटिटी दबा के राइटिंग कर दिया, यहाँ पे वो फुल्ली बुलिश हो गए। और यहाँ पे ये पोजीशन हैज करके गए, 9,000 क्वांटिटी, 215,000 क्वांटिटी के सामने कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो प्रो यहाँ पे फुल्ली बुलिश हैं, FII भी कल के लिए बुलिश हैं, और हमारे जो है क्लाइंट भी बेयरिश हैं, क्लाइंट बुलिश नहीं है, क्लाइंट बेयरिश है, आप भूलिए मत डेटा को, है ना। तो ओवरऑल इस तरह आप अगर डेटा को एनालिसिस करेंगे तो मजा आएगा, आपको ट्रेड करने में मजा आएगा, आपके अंदर कॉन्फिडेंट आएगा। और मैं इस चैनल के माध्यम से आपके अंदर कॉन्फिडेंस लाना चाहता हूं ट्रेडिंग माध्यम से दोस्तों, कि आप अगर ट्रेडिंग करें अपने सिस्टम पर बैठें तो आपके अंदर वो कॉन्फिडेंट होना चाहिए कि हाँ आप वहां पे बोल सकें, ऐसे कैसे बोल सकें कि हाँ यहां पे प्रो राइटिंग कर रहे हैं ना कि क्लाइंट, आप यहां पे बोल सकें कि प्रो राइटिंग कर रहे हैं, क्लाइंट कॉल की राइटिंग कर रहे हैं, प्रो पुट की राइटिंग कर रहे हैं, FII पुट की बाइंग कर रहे हैं, कॉल की बाइंग कर रहे हैं, ऐसे आप बोल सकें, ये कॉन्फिडेंट मैं आपके अंदर चाहता हूं दोस्तों। तो बने रहिए इस चैनल के साथ दोस्तों। अब चलिए हम बात करते हैं कि हमें ये पता कैसे चलेगा कि हाँ वो राइटिंग कर रहे हैं, क्या करना है। तो देखिए हमने यहाँ पे बड़े प्लेयर की राइटिंग का ये कॉल और पुट का ये डेटा ले रखा है ना, ये थोड़ा सीक्रेट डेटा है दोस्तों। तो बिल्कुल मैं अपने जो है वहां पे बताता हूं कि इसको कैसे निकालना है, मैं अपने क्लासेस में ये सब कुछ, अपने जो भी मेरे क्लासेस होते हैं उसमें सब कुछ हम डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे आप देखें कि ये बड़े प्लेयर की एक्टिविटी हमें पता चल रहा था कि बड़े प्लेयर कहाँ पुट साइड एक्टिविटी है, पुट साइड क्या कर रहे हैं वो एक्टिव हैं, और बेस्ड ऑन द आईबी के माध्यम से हम बताते हैं कि वहां पर राइटिंग कर रहे हैं या बाइंग कर रहे हैं, राइटिंग के और बाइंग वो हमारे आईबी के माध्यम से यहाँ पे हो रहा है, तो ये लाइव में आपको अपडेट होता है। तो इस सीट के माध्यम से हमें ये पता चल गया था कि जो बड़े प्लेयर की एक्टिविटी वो पुट साइड है, और हमारा पेन भी आपको क्या ऊपर शिफ्ट हो रहा था, देखिए पेन के हमारा 18,300 से 18,400 की तरफ शिफ्ट हो रहा था, वो इंक्रीज हो रहा था, शिफ्टिंग के साथ इंक्रीज भी हो रहा था। हमने आपको दिखाया कि 18,125 था, 186 भी हो गया, तो कितना बड़ा पेयर की एक्टिविटी है वहाँ पे, कितना स्ट्रेंथ है, ये हमें पेन बताता है कि बड़े पेयर की एक्टिविटी कहाँ पे हो रही है। तो ओवरऑल आप देखें कि 18,300 के पास 88,000 ये यहाँ पे राइटिंग किया गया है ना, और 350 पे भी 42,000, 400 पे भी 39,000। तो ये पूरे डेटा हमें इंडिकेट ये कर रहा था कि यहाँ पे बड़े प्लेयर की एक्टिविटी है, क्योंकि यहाँ पे बाइंग और सेलिंग तो दोनों होता है, लेकिन कर कौन रहा है ये पता करना आपको बहुत ही जरूरी है लाइव मार्केट में बहुत। और वो हमारा यहाँ पे ये नंबर से पता चलेगा और ये पेन से पता चलेगा दोस्तों, है ना, ये इस आपको इसमें लॉजिक्स हैं उसके हिसाब से। तो ये जिधर नंबर बड़े होते हैं उधर की एक्टिविटी हमें आपको राइटिंग की होती है बड़े प्लेयर की, और ये हमें पेन इंडिकेट करता है। अगर यही आपको नंबर कॉल साइड हो तो ये आपको पेन हमारा नीचे शिफ्ट करेगा, यानी पेन नीचे हो जाएगा, ठीक है। तो ये डेटा हमें बता देता है कि कहाँ पे एक्टिविटी क्या हो रही है। अभी मार्केट में डेटा कल के लिए बुलिश है, क्यों, क्योंकि सारी एक्टिविटी यहाँ पे क्लोज है, देखिए कॉल साइड पूरे जितने भी राइटिंग है वो अपना क्या शॉर्ट कवर कर रहे हैं, जो भी शॉर्ट किए हैं, और क्लाइंट हमारे यहाँ और शॉर्ट किए हैं, तो उन्होंने शॉर्ट किया है कि 18,600 18,700 पे, यहाँ पे 18,500 पे भी उन्होंने शॉर्ट किया है। मैंने मैसेज भी किया था कि 500 पे और 600 पे जो चल रहा है वहाँ पे राइटिंग, वो हमारे क्लाइंट्स के द्वारा किया जा रहा है। तो ओवरऑल पूरे आउट ऑफ द मनी भी यहाँ पे पोजीशन क्लोज हो रहा है, आप ये देख सकते हैं। तो ये डेटा हमें बिल्कुल यहाँ पे बुलिश इंडिकेट कर रहा है दोस्तों। ये हमारा टारगेट क्या होगा अभी हम थोड़ी देर में बात करेंगे। चलिए एक बार बैंक निफ्टी का डेटा देख लेते हैं। तो बैंक निफ्टी में भी हम देख लेते हैं कि क्या इंडिकेशन मिल रहा है। तो दोस्तों ये पूरा फुली ऑटोमेटेड सीट है, और यहाँ पर बैंक निफ्टी का भी डेटा आ गया, सेम चीज़ें आप देखें कि बैंक निफ्टी उतनी जो है बुलिश नहीं थी जितना निफ्टी था, क्योंकि उसका पेन आपको वो नीचे ही था, दोनों 42,200 और 42,300 के पास था। देखिए 42,400 के पास जो 43,400 के ऊपर क्लोजिंग दिया है वो पेन है, लेकिन आपको फर्स्ट और सेकेंड पेन यही था, देखिए सेकेंड पेन फर्स्ट पेन आपको 43,300 के पास, दूसरा तीसरा आपको पेन था वो आपको 43,003, तो बैंक निफ्टी घिसते घिसते 43,400 के पास आया। उतना एक्टिविटी बैंक निफ्टी में आज नहीं था, ओवरऑल वो निफ्टी जो है वो बैंक निफ्टी को पुल करके ले आया, क्योंकि यहाँ पे भी बड़े प्लेयर वो आपको एक्टिविटी पुट साइड ही कर रहे थे। तो आप देख सकते हैं कि ये 43,300 के पास ये पूरे 43,300 43,400 पे भी ये राइटिंग किया गया है हमारे बड़े प्लेयर द्वारा, प्रो द्वारा, क्योंकि ये नंबर हमें इंडिकेट की कर रहा है।
और यहाँ पे कॉल साइड कोई भी एक्टिविटी नहीं है, सारा पोजिशन क्लोज है, तो बैंक निफ्टी भी सेम बुलिश है दोस्तों। तो होप कि आपको ये चीजें समझ में आ गई होगी कि हमें लाइव मार्केट में कैसे पता करते हैं। अगर ये आप सारी चीजें बनाना चाहते हैं तो मैंने अपने जो है पूरे यहाँ पे अपने टेलीग्राम यूट्यूब चैनल पे एक प्लेलिस्ट है, प्लेलिस्ट के नाम से हमने वहाँ पे एक बेसिक सो ऑप्शन चैनल, उसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहाँ पे हमने सब कुछ बता रखा है। आप जाके एक एक वीडियो को देख के वहाँ पे सारा अपना सीट ऑटोमेट कर सकते हैं। तो चलिए अब हम चार्ट पे देख लेते हैं कि यहाँ पे कौन से लेवल पे हमें बाई करना है, कौन से लेवल पे सेल करना है। तो दोस्तों मैं बस इंडिकेटर में दो ही इंडिकेटर यूज करता हूँ, एक वी वेप और वी डब्ल्यू में। माफी चाहता हूँ अगर अगर चार्ट को आपको गंदा लग रहा होगा तो इसके लिए, लेकिन हाँ आप चार्ट को समझिए, डेटा को समझिए, उसके ऊपर मचाइए। देखिए यहाँ तक यानी आपको 380 तक लंग रहना है, 380 तक आपको लॉन्ग रहना है। पहला टारगेट आपको एक बार मार्केट नीचे भी आए तो 380 तक आ सकता है, उसके बाद फिर आपको मार्केट 500 तरफ जाएगा, 500 के तरफ मार्केट एक बार जरूर जाएगा। तो वहाँ हमारे इनिशियल में आप साइकोलॉजी को समझिए, दिखाया जाएगा क्लाइंट्स को कि हाँ आपके डायरेक्शन में मार्केट जा रहा है, लेकिन फिर वो मार्केट उस साइड में नहीं जाएगा दोस्तों, 18,500 की तरफ अपसाइड में जाएगा। तो 380 तक लॉन्ग रहना है, टारगेट हमारा आपको 500 का रहेगा, 570 का रहेगा। शॉर्ट होना है आपको 370 के नीचे टारगेट हमारा पहला 330 320 का और फिर 260 का टारगेट होगा। तो ये हमारा निफ्टी में टारगेट रहा, लास्ट में देखिए ये जो है वॉल्यूम आया है। आप बैंक निफ्टी का अगर देखें तो बैंक निफ्टी में भी आप देखें कि क्लोजिंग 43,413 के ऊपर दिया है, लॉन्ग आपको 43,470 के ऊपर होना है और टारगेट आपका लॉन्ग जो होगा 70 के ऊपर, 630 का और 850 का होगा, क्योंकि इस रेंज के ऊपर देखिए ये पूरे दिन बैंक निफ्टी आज इसी रेंज में रहा दोस्तों। निफ्टी में एक्टिविटी हुई लेकिन बैंक निफ्टी में नहीं हुई, क्योंकि मैं आपको डेटा में दिखा दिया था कि बड़े प्लेयर का जो पेन था वो नीचे था, ऊपर शिफ्ट नहीं हो रहा था, है ना। तो वो सारी चीजें डेटा लीडिंग इंडिकेटर है, डेटा लीडिंग इंडिकेटर है। डेटा में कभी कोई नहीं बता सकता है कि 430 तक जाएगा, ये कॉन्फिडेंट के साथ कोई नहीं आपको प्राइस एक्शन में बता सकता है। प्राइस एक्शन आपको ये नहीं बता सकता है कि मार्केट यहां तक जाएगा दोस्तों, जो आपको डेटा बता सकता है। इसलिए मैं चाहता हूं कि आपके अंदर वो कॉन्फिडेंट आए, वो कॉन्फिडेंट आप अपने अंदर बिल्डअप करिए। शॉर्ट आपको होना है 130 होगा आपको, शॉर्ट होना है 43,300 के नीचे, टारगेट 43,130 का, 42,930 का टारगेट होगा दोस्तों। आप FII की बात करें तो FII ने यहाँ थोड़ा सा सेल किया है 538 का, DIA यहाँ पे देखिए थोड़ा सा मार्केट को संभालने का कोशिश किया है, लेकिन मार्केट बिल्कुल वो ऑप्शंस में बाई करके गए, ऑप्शन में बाइंग करके गए। तो दोस्तों आपको अगर ये एनालिसिस अच्छा लगा, वीडियो अच्छा लगा तो जरूर लाइक करिए। आप इस चैनल पर अगर नए हैं तो एक बार जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि यहां से आपको लर्निंग मिलता है, वो भी बिल्कुल मुफ्त में और बिल्कुल जेन्युइन लर्निंग दोस्तों, बिल्कुल जेन्युइन लर्निंग। बाकी अगर आपको इच्छा हो तो आप सारी चीज़ें हमारे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ के, हमारे साथ जुड़ के आप सब कुछ सीख सकते हैं दोस्तों। ये सब सारी चीज़ें हम यहाँ पर सिखाते हैं बहुत ही एक मिनिमम फी में, ये हमारा एक अपडेट रहा। अब चलिए मैं कुछ स्टॉक्स की बात करता हूँ, तो मैं आपको स्टॉक सेलेक्ट करके देता हूँ। यहाँ पर हमारा डेटा देखिए लगभग 19 का आ गया है, और इसके साथ मैं आपको स्टॉक्स अगर सेलेक्ट करूँ मनी फ्लो के बेसिस पे, तो हमारे एक डाबर स्टॉक्स है और एक MTAR टेक, ये स्टॉक्स हमारे निकल के आए हैं। एफनो में आप ट्रेड अगर करना चाहते हैं तो कुछ हमारे एफनो के स्टॉक्स जो अडानी इंटरप्राइजेस और भारत फोर्स और MGL, ये तीन स्टॉक्स हैं दोस्तों। तो आई होप कि आपको ये वीडियो जरूर अच्छा लगा होगा, एक बार लाइक करिए, कमेंट करके जरूर बताइए कि मेरा एनालिसिस आपको कैसा लगा, ताकि मेरा भी मनोबल बढ़ता रहे। दोस्तों एक डिस्क्लेमर है कि ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पज के आधार बनाया गया है, इसके आधार पर बाई सेल या होल्ड का ऑप्शन क्रिएट कीजिए, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर सलाह लीजिए। मिलते हैं कल लाइव मार्केट में 9 बजे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय महाकाल दोस्तों।